वाराणसी के एक प्रसिद्ध है, विकास के प्रतीक के तौर पर सामने उभरे हैं। और जिस बात को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कहती रही है कि विरासत को संजोते हुए हम विकास को आगे ले जा रहे हैं, पहचान को मजबूत करते हुए, उसकी एक पूरी झलक काशी की संस्कृति की, काशी की विरासत की, काशी के वैभव की पूरी झलक आप देख रहे हैं रोड शो में, तस्वीरों के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में युवा हैं, महिलाएं हैं, और एक तरफ BHU है, आधुनिक शिक्षा का केंद्र है, उसमें हम जानते हैं कि तमाम विषयों की पढ़ाई होती है, तो तमाम वो संस्कृत पढ़ने वाले वेद पाठी छात्र हैं, छात्राएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इस पूरे 5 किलोमीटर में तकरीबन 100 जगह पर हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े मंच बनाए गए हैं जहाँ काशी की संस्कृति की एक पूरी झलक दिखाई देती है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल काशी किस तरह से एक विकास मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने है, काशी कैसे बता रहा है कि भारत जो नया बदलता हुआ भारत है वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए, पुष्पित पल्लवित सिंचित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और तस्वीरों की झलक है, ये भारत की झलक है, ये काशी की झलक है जो अपने जड़ों को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है, जो दिखा रहा है कि आज काशी में एक बड़े जगह पर आप देखें तो लटकते हुए तार नहीं दिखाई देते, काशी में आप देखें तो चमचमाती हुई लाइट दिखाई देती है। काफी अभी आज मैं बात कर रहा था सुबह तो एक शख्स ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसी लंका गेट के आसपास तमाम इन्वर्टर की दुकानें थी, अब इन्वर्टर की दुकानें बंद है क्योंकि 24 घंटे बिजली आती है।